बड़े ही शाही अंदाज में आईपीएल 2018 का आगाज़ हो गया। उद्घाटन मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, जो चेन्नई ने एक विकेट से जीत लिया। करीब दो साल बाद वापसी कर रही चेन्नई की यह जीत इतनी भी आसान नहीं थी। 80 से भी कम स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा चुकी चेन्नई के लिए यह मैच जिताने में ना तो ड्वेन ब्रावो का हाथ रहा, ना ही आखिरी ओवर में छक्का और चौका मारकर मैच का रुख पलटने वाले केदार जाधव का। यह कमाल सिर्फ धोनी का था, जिसने ड्रेसिंग रूम में बैठकर मैच को अपने नाम कर लिया। आप भी सोच रहे होंगे कि थर्ड आई न्यूज़ अपने इस वीडियो में क्या कह रहा है, लेकिन यह सच है। इस खबर पर यकीन करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सारी कहानी अभी समझ में आ जाएगी। मैच में केदार जाधव को हैमस्ट्रिंग के बहाने 12वें ओवर में पवेलियन में बुलाना और आखिरी ओवर में भेजना धोनी की रणनीति का एक सोची समझी चाल थी। धोनी इस बात को बेहतर तरीके से जानते थे कि जाधव के बल्ले पर ठीक से बॉल नहीं आ रही है, अगर बाद में विकेट गिरते भी हैं तो आखिर में जाधव मैच का रुख पलटने में माहिर हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मुस्तफिजुर के आखिरी ओवर में 3 गेंदों को आराम से खेलने के बाद चौथी गेंद पर पहले छक्का और 5वीं गेंद पर चौका मारकर मैच को अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि धोनी ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। मुंबई ने पहली पारी में 165 रन बनाए थे, उसके बाद चेन्नई ने बल्लेबाजी की और मैच को एक विकेट से अपने नाम कर लिया। आईपीएल के ऐसे ही रोचक पल हम आपके पास लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारा YouTube चैनल थर्ड आई न्यूज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप यह चाहते हैं कि हमारे चैनल के वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे तो बेल का बटन ज़रूर दबाएं। जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी। अब हमें दीजिए इजाज़त।